वेदव्यास जी ने आदर के साथ शंकर के हाथ से अपने दोनों हाथों में शंकर के भाष्य को ले लिया। उन्होंने एकाग्र चित्त से उसे देखना प्रारंभ किया। बहुत समय बीत जाने पर वे शंकर की ओर आकृष्ट हुए। उन्होंने अति प्रसन्न मुद्रा में आचार्य शंकर से कहा कि हे वत्स, तुम आत्मनिष्ठ सद्गुरु द्वारा सुशिक्षित हुए हो। यह भाष्य ग्रंथ तुम्हारे ही उपयुक्त हुआ है। तुमने इस अलौकिक भाष्य की ऐसी रचना की है कि तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष नहीं कर सकता था। तुमने समस्त दर्शनों में निपुणता प्राप्त की, इसलिए सूत्रों का भाष्य बहुत ही सुंदर हुआ है। मेरे सूत्र लघु, दुर्गेय तथा आत्मसार संपन्न है। इन सूत्रों का सम्यक भाव तुम्हारे सिवा और कौन विद्वान समझ सकता है? इससे मैं विशेष रूप से प्रसन्न हूं। हे धीमन, तुम सर्वार्थ ज्ञाता महापुरुष हो, इसमें रंच मात्र संशय नहीं है। मुझे ज्ञात है कि परम पुरुष महादेव से ही तुम्हारा शरीर और शक्ति अद्भुत है। गोविंद पादाचार्य, जो कि तुम्हारे गुरुदेव हैं, और गोविंद पादाचार्य के गुरुदेव गौण पादाचार्य मेरी ही शिष्य परंपरा के हैं। गौण पादाचार्य ने मेरे पुत्र शुकदेव से शास्त्र आदि की शिक्षा प्राप्त की थी। वत्स, श्रुति अर्थात उपनिषद और स्मृति अर्थात श्रीमद् भगवत गीता का भाष्य रचना का भार भी तुम्हारे ऊपर ही मैं अर्पित करता हूँ। वेदव्यास जी के वचन सुनकर आचार्य शंकर विशेष आनंदित हुए। उन्होंने निवेदन किया कि गुरुदेव, आपका वह आदेश भी पूरा कर लिया है मैंने, उन्हें भी देखने की अनुकंपा कीजिए। इतना कहकर आचार्य प्रवर ने समस्त भाष्य ग्रंथों को वेदव्यास जी के कर कमलों में रख दिया। वेदव्यास जी ने बड़ी देर तक मनन पूर्वक उनका अध्ययन किया। तत्पश्चात प्रसन्न मुद्रा में कहा, ये रचनाएं भी अद्वितीय बन पड़ी हैं, ये भी तुम्हारे ही व्यक्तित्व के अनुरूप हैं। अब यहां संशय उत्पन्न होता है कि आचार्य शंकर अचानक से भारत भ्रमण छोड़कर एकांत सेवन क्यों करने लग गए थे? शिष्य मंडली से एकदम उदासीन क्यों हो गए? और दूसरी बात कि क्या शंकर को ज्ञात नहीं था कि सामने बैठे हुए वृद्ध ब्राह्मण इनके परम दादा गुरु अर्थात साक्षात वेद व्यास जी हैं? दरअसल शंकर की आयु अवधि ब्रह्मा जी के द्वारा 16 वर्षों की निर्धारित की गई थी। बस अवधि समाप्त होने ही वाली थी, इसलिए शंकर ने भ्रमण बंद कर दिया और अधिक से अधिक समय अपने आत्मस्वरूप में रहने का इन्होंने निश्चय कर लिया। इसलिए शिष्यों से उदासीन होकर वे एकांत में जा बैठते। 9 दिन शेष रह गए। 9 दिन पहले भगवान वेदव्यास जी शंकर के समक्ष उपस्थित हुए शास्त्रार्थ करने के लिए। 8 दिनों तक शास्त्रार्थ चलता ही रहा। आज 9वां दिन है, अर्थात आज आखिरी दिन है।
आचार्य शंकर का इस भूमंडल पर। इसलिए आचार्य ने भगवान वेदव्यास जी को पहचानते हुए भी उनकी गोपनीयता प्रकट नहीं की और शास्त्रार्थ बंद करने की युक्ति खोज निकाली, ताकि अपने महानिर्वाण महासमाधि की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकें। समय हो चुका है। यहां वेदव्यास जी से चर्चा में आचार्य शंकर ने आगे निवेदन किया, कि भगवान आप द्वारा अभिलषित सारे कार्यों की समाप्ति हो चुकी है और वेद विरोधी मतों का भली भांति खंडन भी हो गया है। हे गुरुदेव, हे सज्जनों के प्रेमी, इस मणिकर्णिका घाट के समीप एक क्षण और रुकने की कृपा करें, ताकि मैं आपके सन्मुख समाधि योग से इस नश्वर शरीर का परित्याग कर सकूं। ऐसे बड़े ही सौभाग्यशाली शिष्य होते हैं जिनका निर्वाण अपने गुरुदेव की उपस्थिति में होता है। अतः गुरुदेव, आप तो हमारे आदि गुरु हैं, आपसे यही प्रार्थना है कि आप कुछ क्षण और यहां ठहरिए। आचार्य शंकर की यह इच्छा जानकर शिष्यगण किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर हतप्रभ हो गए, एकदम से सुन्न हो गए, मानो सभी शिष्य ठगे से रह गए हों। मौन होकर शिष्य कभी भगवान वेद व्यास जी की ओर देखते तो कभी अपने गुरुदेव की ओर। कुछ क्षण के नितांत शांति के बाद शिष्यों ने इस शांति को अपने रुदन और चीखों से भंग कर दिया। कई शिष्य चीख चीख कर रोने लग गए तो कई शिष्य स्तब्ध होकर पूर्ववत ही खड़े रह गए। कई शिष्य तो बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वातावरण रुदन और चीखों से गूंज उठा। शिष्यों ने हाथ जोड़कर रोते हुए स्वर में कहना प्रारंभ किया कि गुरुदेव, आप यूं ही कैसे चले जाएंगे? हमारा संसार तो आप में ही निहित है। स्वामी, ऐसा कठोर निर्णय लेते समय क्या आपको हमारा तनिक भी ख्याल नहीं आया? गुरुदेव, शिष्य रो रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि ऐसा ना कीजिए, हम दीनों पर भी तो दया कीजिए। भला कौन ऐसा शिष्य होगा जो अपने गुरुदेव से बिछोह का दुख सहन कर पाएगा? शिष्यों का रुदन चालू है, परंतु आचार्य शंकर अपनी समता में मूर्तिवत ही खड़े हैं, निश्चेष्ट। ऐसे कठोर ना बनिए गुरुदेव। शिष्यों ने अब भगवान वेद व्यास जी की ओर आशा से पूरित नेत्रों द्वारा निहारा और उनके चरणों में गिर पड़े कि हे दादा गुरु, हे जगत गुरु, आप तो गुरुओं के गुरु हैं, आप ही हम पर दया कीजिए, गुरुदेव को रोक लीजिए। इस संसार के दो दो दाता हमारे समक्ष उपस्थित हैं और हमारी झोली खाली करके मत जाइए, हमें अनाथ मत कीजिए। इतना कहकर शिष्य फूट फूट कर रोने लगे।
शिष्यों की करुण पुकार एवं क्रंदन सुनकर नवनीत पुनीत हृदय वेद व्यास जी ध्यानस्थ हो गए। महापुरुष तो सर्व सुखदाता होते ही हैं। कुछ क्षणों के बाद वेद व्यास जी ने अपने नेत्र पटल का द्वार खोलते हुए आचार्य शंकर से कहना प्रारंभ किया कि हे वत्स, इस प्रकार की अप्रिय बात मुख से क्यों निकाल रहे हो? अभी तो तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ है। भारत में अभी भी प्रख्यात दिग्विजयी पंडित विद्यमान हैं। विवाद समर में उनके ऊपर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। इसे ध्यान में रखकर तुम अभी कुछ वर्षों तक संसार में रहो और लोगों को मोक्ष लाभ की शिक्षा दो। जैसे माता के बिना अनजान शिशु की अवस्था चिंतनीय हो जाती है, वैसे ही मोक्ष की दशा तुम्हारे बिना चिंतनीय हो जाएगी, क्योंकि जब तक धर्म स्थापना का कार्य हुआ है, वह कार्य ब्रह्म प्रतिष्ठित महापुरुषों द्वारा ही हुआ है। आचार्य शंकर ने कहा कि हे परमेष्ठी गुरुदेव, आपको सर्व विदित है कि ब्रह्मा जी के द्वारा निर्धारित इस शरीर की अवधि आज समाप्त होने को है, इसलिए मैंने यह बात आपके समक्ष प्रस्तुत की है। भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, ब्रह्मा ने तुम्हें मात्र 8 वर्ष की आयु प्रदान की है, यह मुझे ज्ञात है, और महादेव की प्रसन्नता से तुम्हें 8 वर्ष की आयु और मिली थी। यहां वेद व्यास जी संकेत कर रहे हैं उस घटना का, जब शंकर और उनकी माता वेगवती नदी के प्रवाह में बीचों बीच फंस गए थे, तब उनकी उम्र मात्र 8 वर्ष की थी। उस दिन भी उनकी आयु अवधि का आखिरी दिन था, परंतु दैवी प्रेरणा से माता ने शंकर को सन्यास दीक्षा हेतु सहमति प्रदान की, तब इनकी आयु की अवधि 8 वर्ष और बढ़ गई थी। व्यास जी यही संकेत कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि पुत्र, वह आज समाप्त होने को है, परंतु जिस विशेष लक्ष्य से तुम इस शरीर में आए हो, उसे पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हारी आयु को और 16 वर्षों की वृद्धि प्रदान करता हूं। अब तुम्हारी आयु 32 वर्षों की होगी। 32 वर्ष तक इस शरीर में तुम निवास करोगे। महान कर्मकांडी कुमारिल भट्ट अपनी विद्वत्ता और प्रकांड पांडित्य से सारे भारत में प्रख्यात हैं। उन्हें पराजित करना तुम्हारा पहला कार्य होगा। हमने पिछले प्रसंग में सुना था, याद होगा, कि मंडन मिश्र के शास्त्रीय गुरु कुमारिल भट्ट काशी में अग्नि समाधि ले रहे थे, तभी आचार्य शंकर का वहां आगमन हुआ। आचार्य शंकर का आगमन और कुमारिल भट्ट को अंतिम दर्शन प्रदान करना भी भगवान वेदव्यास जी की ही प्रेरणा और कृपा से संपन्न हुआ था, और उसके पश्चात मंडन मिश्र का परिचय कुमारिल भट्ट द्वारा मिला।
भगवान वेदव्यास जी आगे कह रहे हैं कि पुत्र, देश के अन्य प्रदेशों में परिभ्रमण कर विविध प्रतिपक्षियों को परास्त करो। विभिन्न मतों में समन्वय स्थापित करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। वेदांत की महिमा और अद्वैत ब्रह्मात्म विज्ञान की प्रतिष्ठा तुम्हें ही करनी है। सारे कार्यों की समाप्ति के अनंतर तुम अपने स्वरूप में लीन हो जाओगे। आचार्य शंकर ने गुरुदेव व्यास जी की आज्ञा शिरोधार्य की और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। सभी शिष्यों ने भी आचार्य के साथ वेद व्यास जी को साष्टांग प्रणाम किया। वेद व्यास जी अंतर्ध्यान हो गए। समस्त शिष्यगण अत्यंत हर्षित हुए। अपने गुरुदेव की आयु वृद्धि जानकर शिष्यों के आनंद की सीमा नहीं रही। उनके चित्त की दुश्चिंता समाप्त हो गई और उनमें अपूर्व उत्साह हिलोरे लेने लगा। ऐसे गुरुदेव की कृपा को निहारते हुए ही मानो पथिक जी ने यह उद्गार कहे होंगे कि हो तुम ही एक अभयदाता, तुम रक्षक बंधु पिता माता, तुम बिन है राह कौन पाता, तुमसे ही जीव अभय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तुम ही सब कुछ के दाता हो, दुर्गति में सुगति विधाता हो, तुम दिव्य प्रकृति निर्माता हो, दुखमय तुमसे सुखमय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। दुखियों के सुख कारक तुम हो, अधमों के उद्धारक तुम हो, भव सागर से तारक तुम हो, तुमसे सौभाग्य उदय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। पशु में मानवता लाते तुम, मानव को देव बनाते तुम, वह साधन ज्ञान दिखाते तुम, जिससे कि ज्ञान संचय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। करुणामय शरण में आते ही दुखहारी दर्शन पाते ही अपना सर्वस्व बनाते ही आनंद लाभ अतिशय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। भगवान वेद व्यास जी ने आचार्य शंकर की आयु 16 वर्ष और बढ़ा दी। अब आचार्य की आयु 32 वर्षों की हो गई। व्यास जी रचित ब्रह्म सूत्र को वेदांत सूत्र या शारीरिक सूत्र भी कहा जाता है। इस ब्रह्म सूत्र में विशेषतया जीव के बंधन और उसके मोक्ष लाभ का दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। सामान्य व्यक्ति को उनके छोटे छोटे सूत्रों का अर्थ समझना बहुत कठिन है। आचार्य शंकर ने इस कठिनाई को अनुभव किया और अनुभव करके वेद व्यास जी के सूत्रों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अद्वैत परख भाष्य की रचना की। उनकी यह कृति दार्शनिक जगत की अनुपम और अत्यंत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। यह अद्वैत ब्रह्मात्म तत्व की दार्शनिक व्याख्या एवं तद विषयक अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इस भाष्य में परमार्थ तत्व एवं जीव तत्व के सूक्ष्म अंगों का दार्शनिक विवेचन बड़ी गंभीरता से आचार्य शंकर ने किया है। साथ ही इसमें न्याय
सांख्य वैशेषिक एवं बौद्ध दर्शन शास्त्रों के सूक्ष्म अति सूक्ष्म विचारों की भी मीमांसा की गई है। अतः शंकर कृत यह भाष्य ग्रंथ भी बहुत गंभीर और क्लिष्ट दार्शनिक रचना है। आचार्य शंकर ने तो इसकी रचना कर दी, परंतु जन साधारण के लिए इसको भी समझना सबके बूते की बात नहीं थी। अब आचार्य शंकर विचार में पड़ गए कि जन साधारण को और सरल समझ सके ऐसे ग्रंथ की रचना कैसे की जाए। इसलिए आचार्य शंकर भगवान वेद व्यास जी के आदेश निर्देश के अनुसार अपना जो भाष्य था उस पर वार्तिक लिखने का इन्होंने विचार किया। वार्तिक का अर्थ होता है व्याख्या लिखना, व्याख्या के साथ साथ जो अन्य मत हैं उनका खंडन भी लिखना, इसको वार्तिक कहते हैं। आचार्य शंकर ने वेदव्यास जी के ग्रंथों पर और अपने भाष्यों पर वार्तिक लिखने का विचार किया। श्रृंगेरी का वातावरण इस कार्य के लिए नितांत अनुकूल था। जन समुदाय से यह स्थान दूर था। सामने तुंगभद्रा नदी कलकल निनाद करती हुई प्रवाहित होती थी। किसी प्रकार का जनरव तथा सांसारिक प्रपंच उस पार्वत्य प्रदेश में प्रवेश न कर सकते थे। चारों तरफ घने जंगलों से प्रकृति ने उसे घेर रखा था। ऐसा शांत वातावरण वार्तिक रचना के लिए आचार्य शंकर ने सर्वथा अनुकूल समझा और वहीं ठहरने का निश्चय किया। एक दिन संयोगवश सुरेश्वर आचार्य, मंडन मिश्र का नया नाम सुरेश्वर आचार्य, संयोगवश सुरेश्वराचार्य ने आचार्य के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और निवेदन किया कि हे महान गुरुदेव, मैं कई दिनों से देख रहा हूं आप किसी विचार में निमग्न हैं। हे स्वामी, मैं जिस भांति आपकी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो सकूं उसे पूरा करने के लिए मैं सब तरह से तैयार हूं। आप मुझे निसंकोच कुछ आज्ञा प्रदान कीजिए। शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा पालन करना परम कर्तव्य है। वस्तुतः शिष्य का जीवन गुरु के ही जीवन में अंतर्हित रहता है, उसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता। आचार्य शंकर तो विचार कर ही रहे थे कि वार्तिक लिखा जाए। सुरेश्वराचार्य की ऐसे प्रार्थना करने पर आचार्य शंकर बहुत प्रसन्न हुए और सहज ही बोल पड़े कि वत्स, तुम मेरे भाष्य पर सुंदर वार्तिक की रचना करो। वैसे भी तुमको तो समस्त शास्त्रों का ज्ञान भी है, तुम कर सकते हो। सुरेश्वराचार्य ने कहा, स्वामिन, तर्कयुक्त गंभीर वाक्य संपन्न आपके भाष्य को तो समझने की शक्ति मुझ में नहीं है, फिर भी आपकी कृपा दृष्टि होने पर मैं यथाशक्ति ग्रंथ रचना करने की पूर्ण चेष्टा करूंगा, क्योंकि गुरु मुख से प्रवाहित आज्ञा
गुरु की कृपा भी साथ ले चलती है। और आज मैं धन्य हुआ जो आपने इस कार्य के लिए मेरा चयन किया, मुझे योग्य समझा। आचार्य शंकर ने वार्तिक रचना के लिए अपनी स्वीकृति सुरेश्वराचार्य को दे दी। इधर जब अन्य शिष्यों को यह बात मालूम हुई कि आचार्य सुरेश्वर से अपने भाष्य पर वार्तिक लिखाना चाहते हैं, तो उन्होंने शिष्यों ने इसका भीतर ही भीतर विरोध करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव के समक्ष तो नहीं, परंतु सभी शिष्यों में यही चर्चा होने लग गई श्रृंगेरी में कि इतने पुराने पुराने लोग आचार्य के सानिध्य में रहकर उनके उपदेशों को ग्रहण करते आए हैं, गुरुदेव ने उनको वार्तिक लिखने के लिए क्यों नहीं दिया। इसमें अवश्य ही सुरेश्वर का कोई कांड होगा जिसने हठवश गुरुदेव से स्वीकृति ले ली होगी, परंतु यह उचित नहीं है। पद्मपाद और अन्य शिष्यों ने सोचा कि सुरेश्वराचार्य गृहस्थ आश्रम में प्रबल मीमांसक थे, कुछ ही दिनों से वे सन्यासी हुए हैं, अतः उनका पूर्व संस्कार छोटा न होगा। अभी अभी तो आचार्य ने इनको परास्त कर सन्यास की दीक्षा दी है, इनको दिन ही कितने हुए आचार्य के सिद्धांतों पर चलते हुए। गुरुदेव के पास और भी कई ऐसे शिष्य गण हैं जो इस कार्य को बड़े ही सरलता से कर सकते हैं, और ये मंडन मिश्र से बने सुरेश्वराचार्य तो अद्वैतवाद को मानते भी नहीं थे। उनकी उपासना का मुख्य अंग तो कर्मकांड था, इस कारण अपने वार्तिक में संभवतः वह अपनी विचारधारा, अपने कर्मकांड आदि की मीमांसा शास्त्र को श्रेष्ठ सिद्ध करने की अवश्य कोशिश करेंगे, उसका खंडन न कर सकेंगे। फलतः सूत्र भाष्य का रहस्य विकृत हो सकता है और उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। सभी शिष्यों ने ऐसा सोच विचार किया और सोच विचार कर पहुंच गए आचार्य के समक्ष।